दोस्तों मेरे पास जो जावा अवेलेबल है वो लगभग 8 पेयर है, ये देखिए। तो धीरे धीरे सब अभी मटकी में जाना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं दिखाता हूँ एक दो आपको जावा क्लोज से। ये देखिए, ये वाइट जावा है और उधर ब्लैक जावा भी मिलेगा आपको देखने को, और यहाँ पे ब्राउन जावा भी आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और हंडी मैंने दे दिया है गिनती के हिसाब से, जितना बर्ड है उसका पेयरिंग के हिसाब से यहाँ पे हंडी लगा हुआ है। और खाने में जो इनको जो सीड देता हूँ मैं वो है कंगनी दाना मोटा, वो देखिए वहाँ रखा हुआ है। और एक ने अंडा वगैरह भी दे दिया है जो कि इस हंडी के अंदर है, जो मिडिल में जो हंडी है इसको देख रहे हैं, इसके ही अंदर है एग वगैरह। और लब्बड़ जो है मेरा वो भी बेबी दे दिया है, उसका भी बच्चा आ चुका है। तो दो लब्बड़ तो ऊपर है, वो देखिए ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 लब्बड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से एक का पेयरिंग जो है वो है येलो और ग्रीन, और 2 ग्रीन 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 जो है उससे ये बच्चा निकल चुका है, ग्रीन और येलो। और जो येलो ग्रीन है उससे बच्चा निकला था ग्रीन ग्रीन, अभी वो अंडा देने वाला है। ये है जावा का मेरा सेटअप। ये केज जो है मेरा ये लगभग 5 फीट का है, लगभग क्या पूरा ही 5 फीट का है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 5 फीट का है। और ये जो हाइट है मैंने दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 2.5 फीट का है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका भी हाइट 2.5 फीट है, और ये इधर से इधर 5 फीट है, और जो डेप्थ है इधर से उधर तक वो 2.5 फीट का है। और नीचे भी मैंने वैसे ही किया है, 2.5 बाई 2.5 बाई 2.5 का 2 पोर्शन बना दिया। ये अभी खाली हो गया है क्योंकि मैंने इसका बर्ड निकाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरा लब्बड़ है जिसका 2 बेबी आपको दिखाई देगा, जिसका ब्लैक चोंच है, देखिए चोंच जिसका ब्लैक है वो छोटा है। और ये देखिए आगे जो बैठा है ये मेल है, दोनों जो बच्चे हैं वो देखिए पीछे आपको दिखाई देंगे, 2 बच्चे। और एक फीमेल जो है वो इसके अंदर है, फिर से अंडा देने वाला है। 2 बच्चे आप देख सकते हैं जिसका चोंच ब्लैक है, और फीमेल जो है इसके अंदर है, वो अंडा भी देने वाला है। तो चलिए इस कैमरा को मैं अंदर ले चलता हूँ और देखता हूँ, हो सकता है कोई रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाए तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ से गेट को खोल लेंगे और मैं आपको इसका फीमेल दिखाता हूँ, येलो कलर का फीमेल है, हो सकता है फीमेल अभी उड़ जाए, मैं अंदर कैमरा को ले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फीमेल आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और ये अंडा अभी देने वाला है, जस्ट तुरंत देगा अंडा, अभी तक तो दिया नहीं है, अंदर खाली है। तो मैं यहाँ से कैमरे को बाहर करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको लॉक कर लेते हैं। तो यही दोनों ने, मेल फीमेल जो है, इन्होंने भी बच्चा दिया था, ये देखिए। येलो वाला जो है फीमेल है, ग्रीन जो है वो मेल है, और उसका 2 बेबी जो है एकदम सेंटर में आप देखिए, चोंच जो है ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास एक पेयर है जिसने अभी अंडा दे दिया है, ये फीमेल है ग्रीन, और येलो जो इसका है मेल है, ये देखिए काफ़ी सुंदर कलर में आपको दिखाई देगा। ये मेल है और फीमेल जो है बॉक्स में है, फीमेल जो है अंडा दे चुकी है। तो मैं बॉक्स के अंदर आपको ले चलता हूँ गेट खोल के यहाँ से, और वहाँ से मैं एक झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो मैं फूड देता हूँ वो देख लीजिए, यहाँ नीचे है मोटा दाना कंगनी, सनफ्लावर सीड, यही सब है। देखिए फीमेल उड़ चुकी है, अंडा यहाँ देख सकते हैं, अंडा का जो गिनती है 2, 4, 6 है। और वो देखिए फीमेल वहाँ पे, मेल फीमेल पीछे आपका उड़ के बैठ चुका है। तो कलर आपको कैसा लगा बर्ड्स का मेरे, वो आप ज़रूर बताइएगा। पानी जो है मैं फीडर में देता हूँ, ये देखिए फीडर। और इस केज का जो साइज़ है वो यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट है, हाइट इसका 1.5 फीट है यहाँ हाइट, और जो डेप्थ है लंबाई जो है वो 3 फीट का है, यानी कि 3 डेढ़ में मैंने इसको रखा हुआ है, ये देखिए 3 डेढ़ में हम लोग इसको रखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो बच्चे के साथ है इसको भी हमने 3 डेढ़ में रखा हुआ है, और अच्छा प्रोग्रेस इससे भी हमें मिल जाता है। ये मेरे पास 2 केज साइड में सेपरेट रखा हुआ है, और यहाँ पे एक केज देखिए, ये बड़ा वाला मास्टर केज है यहाँ से यहाँ तक, उसमें भी 2 पेयर ऊपर में लब्बड़ है, और यहाँ पे 8 पेयर जावा है, ये देखिए। जो जो हंडी पे बैठ रहा है वो सारा हंडी में अभी प्रोग्रेस आ गया है, तो हंडी के अंदर का मैं प्रोग्रेस अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, तो इसको अभी नहीं चेक करेंगे और चेक करेंगे इसको एक महीने के बाद। तो जब चेक करूँगा तो मैं उस समय आपको वीडियो ज़रूर दे दूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खाने के लिए जिनको मैं देता हूँ वो है मोटा दाना कंगनी और जो है धान। इसके अलावा मैं कोई ख़ास चीज़ ना ही कोई मेडिसिन देता हूँ। और अच्छा प्रोग्रेस इनका है, पहले मैं 4 पेयर लेके आया था जिससे कि अभी ये पेयर निकला है। और 4 पेयर जो मेरे पास था वो था ब्राउन का, ब्लैक का एक, ब्राउन का एक और वाइट का 2। उससे ही ये सारा कुछ आप अभी देख रहे हैं। ये मेरा पूरा केज है, नीचे से ट्रे वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है लाइन बाई लाइन। वो देखिए ऊपर मैंने झूला भी खुद से ही बनाया था जिस पर बर्ड्स अभी झूल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। इस तरह का झूला रहने से क्या कि बर्ड्स का भी एंटरटेनमेंट वगैरह होते रहता है। ये देखिए, और एक जो है वहाँ बैठा हुआ है वो अंडा देने वाला है, और यहाँ पे 2 पीस जो है इसने बच्चा दिया हुआ है। ये मेल फीमेल है और वो भी मेल फीमेल है। पहले तो मैं 4-5 पेयर लेकर के आता हूँ, उसके बाद ही पेयरिंग जो है लगाता हूँ। तो इससे क्या है कि रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। जो भी बर्ड पेयरिंग कर लेता है उसको मैं रख देता हूँ, जो नहीं करता है उसको मार्केट में सेल कर देना होता है। इस तरह से ही हमें ब्रीडर पेयर जो है वो मिल पाता है। वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साउंड जो भी आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये लबर्ड का साउंड है, काफ़ी तेज़ साउंड करता है। अगर इसको रूम के अंदर रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड सुनने को मिलेगा। और जावा को आप चाहें तो रूम के अंदर रख सकते हैं, जावा कोई खास साउंड नहीं करता है, बहुत ही कम साउंड करता है। इसका साउंड भी आप सुन सकते हैं। अभी जो आपने दोस्तों सुना ये जावा का साउंड है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो भी बर्ड्स का प्रोग्रेस और बर्ड का ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो भी आएगा वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा। धन्यवाद। Thank you.